हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद कहीं पे जाके वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं सौरभ भाई के घर, तो यहाँ पे अभी जाएंगे अंदर बीहू खाने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे हम लोग का सौरभ का घर में, तो अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं। यह हम वेलकम कर रहे हैं। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? बहुत बोलो जाओ बोलो जाओ। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और देखिए ये लोग कर रहे हैं क्या यहाँ पे। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे सौरभ दा के घर में पहुंच चुके हैं। और सौरभ दा के बारे में क्या ही बोलूँ, ये बहुत एक टैलेंटेड आदमी है। इसका एक बहुत अच्छा गला है जो आर्ट। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसे थोड़ा बहुत करता हूँ और इसका वीडियो बहुत अच्छा होता है, देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हैप्पी बिहू। नमस्कार, और आप लोग सकोए नवबर्ष और रंगाली बिहु उलग जाचिशूँ, सकोए जो बचर तो भले जाए तार कामना। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सौरभ दा का कुछ काम, जो कि बहुत अच्छे से इन्होंने आर्ट किया हुआ है। नहीं, ऐसे ही कुछ काम किया हुआ है, वही घर पे तो इतना नहीं है, सब मेरा रूम में है गुवाहाटी में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, वही आपको दिखा सकूँगा। ठीक है, आप लोग ये जो आर्ट है, आप कब से कर रहे हैं? मेरा तो बहुत साल हो गया, बचपन से ऐसे ड्राइंग कर रहा था। उसके बाद अभी मैं फाइन आर्ट कॉलेज में हूँ, गुवाहाटी आर्ट एंड क्राफ्ट में, वहाँ से मैं बीएफए कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ वॉल पेंटिंग, पोर्ट्रेट, ऑयल पेंटिंग एक्सेट्रा में उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी अपने जो वॉल पेंटिंग है वो कहाँ का? बहुत सारे जगह पे क्या होगा, किया है थोड़ा बहुत तो किया हुआ है। और एक सुनने में मिला था, हमने एक पुराना जो स्कूटर था उसको एक पेंटिंग से मतलब एक अलग ही रूप, अलग ही मतलब रूप दिया था। उसके बारे में वो किया था, वो स्कूटर क्लब निर्वाणा बोल के एक रिजॉर्ट था, उस रिजॉर्ट में गुवाहाटी में हम लोग ने उसके ऊपर जो खराब हो चुका था उसके ऊपर फिर से रिनोवेशन किया और उसको कलर करके एक नया लुक देने के लिए ट्राई किया था ऐसे ही। और सुनने में आया था कि आपके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है, बहुत सारे रिकॉर्ड है, उनमें से एक जो खास रिकॉर्ड है जो हम लोग के एरिया के लोगों को जो प्राउड फील कराते हो, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड था। उसके बाद में असम बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी थोड़ा बहुत आया था। कब कब मिला था, कब कब आया था? 2021 को मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था। वो मैं जो पेड़ के पत्ते हैं उसमें से भूपेन हजरिका का एक बड़ा पोर्ट्रेट किया था, उसलिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था। उसके बाद में असम बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक जो एक ग्लोब था ऐसे में डस्टबिन में देखा था कि एक स्कूल का डस्टबिन में एक ग्लोब पड़ा हुआ था, उसके बाद उसको लाके मैं बहुत सारा उसमें पोर्ट्रेट किया, उसके वजह से असम बुक ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा हासिल हुआ। और आप लोग मेरा काम भी देख सकते हैं, मेरा एक यूट्यूब छोटा सा चैनल है, आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग देख सकते हैं। चैनल का नाम क्या बोलते हैं? पेंटिंग एंड कल्चर बोलते हैं, आप लोग देखिएगा। और कृष्णा भाई का जो चैनल है इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेके आते रहते हैं। थैंक यू। और आपका जो ये पेंटिंग और आर्ट का जो आपका जो कला है, ये उम्र के साथ आपका और बढ़ते जाइए। धन्यवाद। अच्छा सब अच्छा अच्छा आर्ट करते जाइए, पेंटिंग करते जाइए, हम यही चाहते हैं। और हम लोग के एरिया के लोगों को बहुत सारा रिकॉर्ड ला के, बहुत सारा नाम ला के हम सबको प्राउड फील कराते रहिए। थैंक यू, अगेन हैप्पी बिहू। हैप्पी बिहू। आप सब लोग को भी आंतरिक हैप्पी बिहू का आंतरिक शुभेच्छा। तो हम लोगों ने खा के यहाँ पे खाली कर दिया सब कुछ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हो गया बिहू खा के। और क्या बोल, बाय बाय। और सौरभ दा का मैंने इंटरव्यू ले लिया आज। गाइस, ये पेंटिंग सौरभ दा ने किया था, तो बहुत अच्छा लगा उससे मिल के। और हम लोग तो मिलते रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों से सोच रहा था कि उनके साथ वीडियो बनाऊंगा, तो आज बना लिया। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। और लास्ट में प्लीज़
सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।